पढ़ाया था पूर्णांक, पूर्णांकों का योग पढ़ा दिया था, ठीक है। पूर्णांकों को एक से संबंधित ऐसे क्या पढ़ाया था, -2 को -3 में जोड़ो, -2 को जोड़ना है माइनस तीन में, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस का ये भी माइनस का, समान चिन्ह वाली चीज़ें जुड़ती हैं, तो 2 और 3 जुड़ के कितने आ गए, 5, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ठीक, ये समझाया था। उसके बाद जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं पूर्णांकों के आधार पर, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके के लंबे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे कि माइनस वाली चीज़ों को माइनस वाली चीज़ों में जोड़ लिया, प्लस वाली को प्लस वाली में जोड़ लिया, ये माइनस की है, ये माइनस की है, ये माइनस की है, ये माइनस की है, माइनस आप जोड़ लो, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 4 20, यानी माइनस के 20 आ गए आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद प्लस वाले को देखो, ये 3 प्लस के हैं, ये 4 प्लस के हैं, प्लस वालों को प्लस वाले के साथ जोड़ दिए, कितने हो गए, 7। अब ये चिन्ह दोनों के अलग अलग दिख रहे हैं, इसका चिन्ह माइनस का है, इसका चिन्ह प्लस का है, तो अलग अलग चिन्ह वाली चीज़ें घटती हैं। ये बात मैं बार बार बच्चों की तरह इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए। तो यहाँ कितना बचेगा, -13, जिसका बड़ा होता है उसी का चिन्ह बचता है, ठीक। अब देखो पूर्णांकों की गुणा, पूर्णांक की गुणा कैसे करते हैं, जैसे -2 की गुणा तुमसे कहा जाए कि -2 में करो, तो -2 की गुणा -2 में कैसे करते हैं, तो सीधी बात, दो बातें याद रखना, कभी भी गुणा करते टाइम दो बातें याद रखना है, पहली अंक की अंक से गुणा करो, अंक की गुणा अंक से करते हैं, और चिन्ह की गुणा जरूर करते हैं, गुणा करने के बाद चिन्ह की गुणा जरूर करो, अंक की गुणा यानी नंबरों की गुणा करने के बाद चिन्हों की गुणा जरूर करो, ठीक है। ये जो बड़े क्लासों में इस बात का आपको जरूर जरूर ध्यान रखना है। तो 2 दूनी 4, अब इनके चिन्हों की गुणा करो, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये मैंने पिछली क्लास में वहाँ पर बता दिए थे, ठीक। इसी तरीके से मान लो -4 की गुणा 4 से करने को कह दे, ठीक, तो 4 की 4 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 16, और माइनस इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह प्लस है, माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से गुणा करी जाती है। ये दो बातें ध्यान रखी जाती हैं, कभी भी गुणा गलत नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली बात आप समझ में आ गई आपके। अब देखो पूर्णांकों का भाग देख लो, पूर्णांकों का भाग से मतलब जैसे -7 है और बट्टे -2 हैं, ठीक है। तो इसमें आप इस माइनस को काट सकते हैं, ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से ये आ जाएगा लिख के, ठीक। इसी तरीके से माइनस के इस तरीके दे दे, वो 6 दे दे अपॉन -3 दे दे। अब इस तरीके के क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करोगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये तो हो सकता है। अब बचा गया 2 और नीचे -1, ये माइनस जो है ऊपर जा सकता है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख देंगे -2, ठीक, नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से आप मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो, कोई -8 बट्टे -4 दे रखे हो, ठीक, तो कैसे करोगे, तो 4 एकम 4, 4 दूरी 8, बस -2 आंसर, नीचे का 2 लिखो या मत लिखो। इन तीन तरीके से अलावा कोई पूर्णांकों की भाग नहीं आएगी, इनके अलावा आएगी ही नहीं कभी, ठीक है। तो ये आप कर लोगे ध्यान से, ये दो बातें मैं तीनों बातें मैंने सिखा दी, पूर्णांकों का जोड़ और घटाव भी सिखा दिया, ठीक। अच्छा, पूर्णांक के घटाव का एक भी सवाल नहीं आया, वो देख लो, पूर्णांकों को घटाते कैसे हैं, जैसे जोड़ते वैसे घटाते हैं। जैसे -3 को -5 में घटाने पर, तो घटाने का चिन्ह लगाओगे आप प्लस की जगह, -5 में घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। बाकी सब कुछ ऐसे लिखो, ये माइनस के ये प्लस के चिन्ह अलग अलग हैं, अलग अलग चिन्ह घटते हैं, तो ये घट गए, कितने बचे, 2, ठीक। अब गधे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत बड़ी कि माइनस प्लस माइनस ये दिमाग लगाते हैं, अरे ये कभी नहीं बोलना है, ये बात सिर्फ गुणा में बोली जाती है, चिन्हों की गुणा गुणा में होती है। यहाँ पर तो बस ये बात कहोगे कि चिन्ह अलग अलग तो घटेंगे, चिन्ह एक जैसे तो जुड़ेंगे, ये बात कहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहोगे, बस बेवकूफ़ी यही लगी रहती है कि माइनस प्लस माइनस माइनस, अरे गधो, माइनस प्लस माइनस तब कहेंगे जब गुणा होती हो, 3 और 5 की गुणा हो तब चिन्हों की गुणा करोगे, जब चिन्हों की जब अंकों की गुणा नहीं हो रही तो चिन्हों की गुणा क्यों करोगे। तो यहाँ वही बात बोलोगे, बस यही पॉइंट बोलना है आपको, चिन्ह अलग अलग तो घटेंगे, चिन्ह एक जैसे तो जुड़ेंगे, बस, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क से, लो भाई ये क्वेश्चन करके लाना, ना आए तो कमेंट में लिख के बता देना मुझे, तो सॉल्व करा दूंगा, नहीं लिखोगे कमेंट में तो नहीं कराऊंगा, जब तुम्हें चाहत होगी तो करा दूंगा।
ठीक है, ये 9 क्वेश्चन है, ये करके लाना। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कमेंट में लिख के भेज देना कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए एक अलग से वीडियो बना दो। ठीक।